कहाँ लगाई टैली का? कहाँ का है? इंडिया टैली है। चक्कर नहीं बनवाया। हे हाय, तो सभी को मेरा हाय और स्पेशली हरियाणा वालों को हाथ जोड़ के मेरी राम राम। अभी मैं आप लोगों को बता दूं तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दो। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है मेरे लिए। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था अरीना एनिमेशन में, तो उन लोगों ने मेरे को एज ए गेस्ट इनवाइट करा है 20 तारीख को, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो जो भी मेरे फ्रेंड है जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिनको मेरे से मिलना है, तो आप लोग वहाँ आ सकते हो। एक छोटा सा एक अच्छा सा मीटअप हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए कि मेरे को इनवाइट करा गया है। कुछ ना कुछ बात तो है यार अपने में जो लोग बाग मेरे को इनवाइट कर रहे हैं। तो अभी मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ करोल बाग। मेरे को इसमें कुछ अपग्रेडेशन करवानी है, तो वो मैं आपको वहीं पे दिखाता हूँ सारी चीज़ें कि मेरी बाइक में क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। तो आइए। तो अभी मैं करोल बाग में हूँ और जाना मोटर्स पे हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी बाइक पे टॉप बॉक्स और साइड जो कैरियर लगता है वो सब लगवाना था। तो अभी जो मैंने टॉप रैक अपनी बाइक का उतरवा दिया है, क्योंकि वो इस पर नीचे टच हो रहा था यहाँ पे अंदर की तरफ, तो मैंने उसको हटवा दिया। वो फैक्ट्री में जाके मेरे को लगवाना पड़ेगा। तो अभी सैंडल वाला मैंने लगवाया है। तो उसको अभी लगेगा 6-7 दिन, उसको लगेगा अभी 6-7 दिन। वो वहीं पे मेरे को लगवाना पड़ेगा। बवाना में इनकी फैक्ट्री है, तो वो मेरे नियर बार भी पड़ता है। 15 से 20 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मेरे लिए ईजी रहेगा वो। तो वो चीज़ मैं वहीं करवाऊँगा। तो चलते हैं वो अपने घर की तरफ। मंडे ऑफ, ट्यूसडे को मैं कॉल करता हूँ और इनसे टाइम लेता हूँ इनकी फैक्ट्री का, मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। टोटली मैं बाइक में जो जो मेरी एसेसरीज अभी लगने वाली हैं वो लगा के मैं पूरा एक उसका भी व्यू आप लोगों को कि कौन सी चीज़ मेरे को कितने में पड़ी है वो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। ये सब मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि डोमिनार में जो जो चीज़ें लगती हैं उसका प्राइस क्या है और कहाँ से वो सस्ती पड़ेंगी। लाइफ टाइम की वारंटी दे रही यार, क्या बुरा है? कहीं मुड़ जाता है, कोई बेल टूट जाती है, यही सब चीज़ें तो होती हैं लोहे में, उनकी पूरी गारंटी है। Day two. हाय दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ बवाना, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ चुका है जो मैंने अपनी बाइक का जो पीछे का टॉप बॉक्स जिस पे लगता है, तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कराया है, क्योंकि वो मेरे बाइक के टायर पे टच हो रहा था। क्योंकि मैंने जो बाइक का जो टायर डलवाया है ऑफ रोडिंग का टायर डलवाया है, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी ऊंचाई है, तो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टच हो रहा था। तो मैंने भैया को बोल के रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा उनसे मॉडिफाई करवाया। तो अभी वो लगवाने के लिए मैं जा रहा हूँ बवाना। उस दिन की जो वीडियो थी और ये वीडियो को मैं मिक्स करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, जो उससे 2 दिन के बाद की मैंने वीडियो बनाई है, वो 2 दिन पहले मैंने शूट करा था जब मैं करोल बाग में गया था। तो आज इस बाइक में पूरा वो सेटअप लगेगा, तो मैं आप लोगों को पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि बाइक को लगने के बाद क्या धांसू लगती है।
मैं आ चुका हूँ जियान मोटर्स में, यहाँ पे अब काम होगा हमारी बाइक का। दिखाते हैं आपको लगने के बाद बाइक कैसी लगती है हमारी। बाय। Few inches later. All set. तो बाइक काफी अच्छी लग रही है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो जाना कि ये यहाँ पे फैक्ट्री है बवाना के अंदर, तो मेरे को नियर बाय पड़ता था, तो भैया ने मेरे को बोला कि आप फैक्ट्री में ही आओ, मैं वहीं पे मिलूँगा, तो मैं आपका ये सब करा के देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो बाइक के जो पीछे टॉप बॉक्स का जो स्टैंड होता है वो नीचे अटैच होता है टायर के नीचे दोनों तरफ से, तो उसके जो नीचे टायर मेरा कुछ ज़्यादा ही हैवी लगा हुआ था, तो उसकी वजह से जब गाड़ी कहीं पे जंप कर रही थी खड्डों में तो वो उससे टकरा रहा था। तो मैंने भैया को बोला, तो भैया बोले कि ये चीज़ हम ठीक करके देंगे। उन्होंने उस चीज़ को पूरा अंदर तक बैंड कराया, उसको बैंड करके मेरे को यहाँ पे उन्होंने बोला आपके नियर बाय है, आप यहाँ आओ और इसको लगवाओ। तो काफ़ी अच्छी बाइक अभी लग रही है, मैंने ये भी नहीं लगवाया था तो ये भी मैंने यहीं से लगवा लिया। काफ़ी अच्छी बाइक अभी लग रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को बाइक चलाने में। एक लुक मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा बाइक की। नो आई थिंक ही इज़ बेटर प्लेस आप लोगों को दिखाने के लिए। तो एक बाइक का एक लुक देखो आप, ऑसम। तो आगे जो ये स्टैंड लगा है इसमें पूरा मेरा रेडिएटर को ये कवर करता है कि कहीं पे भी बाइक गिरती है तो रेडिएटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से कोई डैमेज नहीं होगा। इस पार्ट की और इस पार्ट की और ये पार्ट जो मैंने अभी लगवाया है जाना कंपनी का, तो लाइफ टाइम वारंटी है। कहीं पे भी बाइक में कुछ प्रॉब्लम होगी, टूटता है, डैमेज होता है या कहीं से भी सील्ड ब्रेक किट होती है, तो बाइक का वो एज ए पूरा पूरा पार्ट रिप्लेस करके देंगे लाइफ टाइम तक, तो काफ़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बाइक लग रही है, तो चलते हैं अब। एक बार तो बनता है, लास्ट में जाते जाते इसको जरूर देखते जाओ बाइक को।